तो दोस्तों आपका स्वागत है स्टोरी व्लॉग्स के न्यू व्लॉग में। आपको पता है कि आज नवमी है और मैंने कन्या को बुला लिया है। अब कुलदीप उनके खाने की चीजें लेने गई हैं। घर में हमारा गैस सिलेंडर वैस सिलेंडर तो हमने क्या रख रखा है, तो हम बाहर से मंगा रहे हैं। और अभी दूध वाले भैया आए, तो पहले दूध लूंगा मैं, उसके बाद ऊपर चलते हैं अपन। क्या है भाई, ये वीडियो बनाने का है? अच्छा, मैं अभी जेरी की वीडियो देख रहा था, तो जेरी की वीडियो में भी एक पैरट था, उनके घर में गिर गया होगा या कहीं लग गई थी उसके, तो उन्होंने उसकी क्रीम व्रीम लगा के मस्त उसको सही कर दिया। और जेरी ना उसके ऊपर ही बैठा हुआ और पैरट, और जेरी उसको सूंघ के समझ गया कि पैरट है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना। और यहाँ हमारे एक दिन के लिए सुंदरी आई थी, उस सुंदरी को इसने किया था चुंदरी चुंदरी। सुंदरी को तो इसने ऐसे भगाया घर से, अगले दिन हमको देना पड़ा सुंदरी को फटाफट से वापस। मम्मी धुपोड़ा देंगी दोस्तों, पूजा तो मैंने सुबह ही कर दी, बट मम्मी कंडा गरम कर रही हैं और धुपोड़ा देंगी अभी। तो दोस्तों हम नौ कन्याओं का वेट कर रहे हैं, आपको पता है नवमी है, नौ कन्याएं आएंगी, तो अभी कुछ ही आई हैं और अभी बाकी सब दूसरे के घरों पर झिमने गई हैं, तो वो आएंगी जब हम शुरुआत करेंगे। तब तक मैं कुलदीप से फोन करके बोलता हूँ कि माला लिया ना माता जी की। पता नहीं तो फोन उठाएगा नहीं उठाएगा, वो फोन तो यहीं रह गया उसका, ये रहा। आप बोलते पट्टा बहुत भारी है, कितना हल्का, देखो कैसे निकल जाता है गले से। और भी कन्या आएगी जब तक दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, मैं ये सब बिछा देता हूँ जब तक। अद्दू भी आएगा क्या? अद्दू तू भी आएगा क्या? आ जा ऊपर, आगे बच्चे तू भी आ जा। अद्दू तो बाहर ही खड़ा था, उसको मैंने बंद कर रखा है, आ जा। डरते बच्चे सब गपूड़िया से, गपूड़िया हमारे गली का डॉन है ना, देख गपूड़िया हमारा डॉन है। तो हमारा छोटा भाई पड़ोस में रहता है हमारा अद्दू, वो अब इस वीडियो को आगे बनाएगा, क्योंकि मेरे को करना है थोड़ा बहुत काम, दरी वरी बिछानी है, लंबे बिछा रहा है ऐसे जैसे खोल मत। तो ये बिछा देता हूं मैं ऐसे। अद्दू भैया हमारी वीडियो बढ़िया बनाना, नहीं तो आपकी हम दिक्कत कर देंगे। अरे बेटे बेटे चक्कर आ रहे हैं तेरे को, खड़े खड़े चक्कर आ रहे हैं उसको, खड़ा खड़ा तंगे खा के गिर गया उधर पीछे बोर्ड पे। दोस्तों अभी तो 5 के समथिंग आई हैं सब, अभी और भी बुला रहे हैं हम बच्चों को, मम्मी ढूंढ रही है गली में जा जा के। और कुलदीप है वो माला भी लेके आएगा। तू यहाँ क्या कर रहा, तू तो उतर नीचे, उतर यहाँ पर नीचे। ये हमारा लांगूरा एक नंबर, और ये हमारा छोटा लांगूरा छोटू मोटू। आज लास्ट है, इसके बाद नहीं मिलेगा कुछ भी। हर बार तो मम्मी हलवा और चने और पूड़ी और ऐसे सब्जी बनाते हैं, लेकिन इस बार आपको पता है हमारे घर में पुताई चल रही है, शादी वादी का जो काटा कुटा फैला हुआ है उसके चलते हमने गैस सिलेंडर और वो सब रख दिया है दोस्तों अलग से, इसलिए अभी सिर्फ समोसा जलेबी और जो बाहर का चीज़ है वो लाके हम निभा रहे हैं इस चीज़ को। अगली बार और अच्छा करेंगे, क्योंकि इस बार तो हमारी परिस्थिति ऐसी है। आराम से हो जब तक आना जरूर, लेके सब ये अभी बच्चे दूसरों के यहाँ जा रहे हैं। रुक जा तू, मत जा तू। तू भी चला गया है। अभी यह है कि दोस्तों अभी 5 जने हुए हैं, मतलब जो मेन कन्या है वो 5 हुई है, 6, 7, 8, 9 होती है, 4 घट रही थी दोस्तों। ये कह रही है कि जब तक वो 4 आएगी ना, तब तक हम पड़ोस में एक आंटी ने और बुलाया, तो वहां पर जिम आते हैं और उसके बाद आ जाएंगे। हमने बोला ठीक है, आराम से आ जाना। गम्बुड़ा गम्बुड़ा देख रहा, गम्बुड़ा क्या करूँ तेरे से, डरते बच्चे नहीं तो और मजा आता, मेरी गम्बुड़ी से डरते क्यों है बच्चे, नहीं तो गम्बुड़ी को भी नवरात्रि के साथ वीडियो बनाते हैं। पता नहीं क्यों डरते मेरे से ताले, मैं तो तुमको प्यार करता हूँ। पता नहीं बेटू डरते हैं, उनको शुरू से डर लगता है तुझसे, जबकि तू तो बहुत प्यार करता है उनको। तो 2-3 बच्चे हैं जो नहीं डरते हमारी गप्पूड़ी से, और इसको पास भी आ जाते हैं और ऐसे प्यार भी करते हैं हमारी गप्पूड़ी को, बाकी ज्यादातर बच्चे डरते हैं, इसलिए दोस्तों हमने इसको इस कमरे में रख रखा है, ये हॉल वॉल में घूम लेता है, क्योंकि अगर ऊपर चला गया ना तो सब भग जाएंगे बच्चे डर के मारे। पहले इसका बर्थडे आया था एक बार, तो बर्थडे के टाइम पर भी इसने पीयू और अद्दू को भगा दिया था, इससे डर के भग गए थे वो। पीयू अद्दू को भगा दिया, एक बार तक को भगा दूंगा। ये देखिए कुलदीप ला चुका है दोस्तों समोसे वोसे सब लिया है, मिठाई विठाई सब लाया है। ये कुलदीप ऊपर चल, ऊपर आ जा ऊपर, ये सबको सेट, इसको खोल देता हूँ मैं, यहाँ तक आ जाएगा गेट तक। बस यहाँ तक ही रहे बेटा, यहीं रहे बेटू, बस यहाँ तक सबको निगरानी रख, कौन कौन आ रहा है कौन कौन जा रहा है। बेटू समझ यार, तेरे से डरते बच्चे नहीं डरते, तू डर रहा है, झूठ ला। नहीं बेटू मैं झूठ नहीं बोल रहा, सही में बच्चे डरते हैं तेरे से,
तो अंदर ही रहे। पहले हम भी जाते थे दोस्तों हमारी सिस्टर के साथ, दोनों लंगूर बन के चल जाते थे। तो हम क्या दोनों साथ में जाते थे क्योंकि एक ही घर से तीन जाते थे जिसमें दो लड़के और एक कन्या हो तो सही नहीं लगता लोग बागों को। तो हम दो नहीं जाते थे, हम क्या जाते थे एक बार ये जाता था एक बार मैं जाता था जब हम छोटे थे। जब उसके बाद तो फिर बड़े होने के बाद तो दोस्तों ये चीज़ें खत्म हो जाती है। इसलिए जो भी इस बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो आप भी आराम से किसी के घर में जाया करो, बड़ा मजा आता है इस टाइम पर। मैं भी जाऊंगा घर में लेकिन बुलाता ही नहीं चला कोई, मैं जिमाना चाहता हूँ कन्या को। तू कैसे जिमाएगा? नहीं बेटू तू मत जमा यार, मैं जिमा दूँ बबू। दोस्तों बहुत मुश्किल है हमारी गप्पूड़ी को समझाना क्योंकि गप्पूड़ी को समझाना यानी टेढ़ी खीर। ये देखो फिर आके गेट पे बैठ गई है। ये क्यों बैठी है गेट पे? ये गेट पे बैठी है ताकि यहाँ से घूर चकू बच्चों को। नहीं बेटू देख समझ बेटू, ऊपर खाना भी है, ऊपर बच्चे डरते हैं। तू आराम से बैठ जा मैं आ जाऊंगा, तेरे को भी दूंगा चिंता मत कर, आज स्पेशल डाइट मिलेगी तेरे को, है ना। तो दोस्तों गट्टूड़ी को मैंने स्पेशल डाइट का दिया तो है आश्वासन और दूंगा भी सही में उसको, बट वो गप्पूड़ी फिर भी माने नहीं माने चिल्लाएगा तो सही वो देखना बहुत देर तक। आलू के चमोचे दूने में, ये कुलदीप मर रहा है खाने के लिए। बना देखे कुलदीप का बरत रखने लग गया ये तो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। गट्टूड़ी जब जब भूख रहा है ना तो मुझे ऐसा लग रहा है यार कुछ भी हो जाए बच्चे डर जाए लेकिन हमारा गप्पूड़ी परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसा करता हूँ गप्पूड़ी को बांध के ले आता हूँ ऊपर और एक कोने में उसको बांध दूंगा ताकि वो देख सके सब कुछ, बाकी उसको खोल के तो नहीं रख सकता, नहीं तो वो दो कूद जाएगा बच्चों पे। हमारा गप्पूड़ा कितना खुश होकर जा रहा है देखो, इसको बहुत पसंद है दोस्तों ऐसे बच्चों के साथ खेलना। हमारी गप्पूड़ी ने तिलक लगा लिया, कन्या को जिमाऊंगा। देखो गप्पूड़ी मेरे से कितना नाराज हो गया दोस्तों, ये देखो कितना नाराज हो गया मेरा गप्पूड़िया। मत कर गप्पूड़ी, इतनी नाराज हो गई तू मुझसे। हाँ कौन मिल गए, चलो 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 ऊपर चलो 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 पता ही नहीं बंद रहा हो काटता तो ही नहीं हो, मैंने बांध दिया फिर भी। ऐसे फोटो डालेगा दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट में, ये देखो कितना सनगी लग रहा है पकड़ पागल। ऐसे फोटो डालेगा ना कम्युनिटी पोस्ट की इज्जत खराब कर देगा तो। बाकी कहाँ चले गए सब? आजकल ये नाटक हो रहा दोस्तों, मम्मी पापा लोग भी घर के ना भेजते नहीं बच्चियों को। अपन के त्यौहार होते हैं दोस्तों आजकल सही बता रहा हूँ, उनका पर्सनल नोबा कम करते जा रहे हैं। गणेश विसर्जन करने गया तो वहाँ पर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब ऐसे ही जा रहे थे जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। तो यार अपन के जितने भी त्यौहार हैं उनको बढ़िया तरह से मनाओ दोस्तों, जितना हो सके अच्छे दिल के खुशी के साथ मनाओ। कुछ मम्मी पापा तो बच्चों को भेजते ही नहीं है कि कन्या के लिए, जब भी तो मम्मी को ढूंढना पड़ा। नहीं तो पहले हमारे टाइम पे तो इतनी कन्या हो जाती थी कि ऐसा लगता था नौ तो कन्या से ज़्यादा करीबन डबल कन्या आ जाती थी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने त्यौहार को अच्छी तरह सेलिब्रेट करो, जितना हो सके उन पहले वाले जमाने जैसे त्यौहार मनाते थे वैसे मनाने की कोशिश करो दोस्तों, नहीं तो एक दिन ना सारे जो भी अपन के त्यौहार होते हैं ये सब विलुप्त हो जाएगी दोस्तों। ये दोस्तों ये बच्चे जो है ये छुप रहे हैं एक अंकल से, वो अंकल से क्यों छुप रहे हैं, अंकल इनको बुला रहे हैं कि भाई खाना खाने चलो, तो इनने कुछ ज्यादा ठूस लिया इसका मतलब। इसके चलते इन्होंने इतना ठूस लिया है दोस्तों कि अब ये नहीं खाना चाहते किसी के घर पे जाके। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। हाँ एक बच्ची को तू बुला के लिया कहीं से भी जाके, रोड पे ढूंढ जाके जा जा ढूंढ ले, नहीं तो फिर बाद में कर देंगे एक को जा, लेकिन ढूंढ के ला जितना हो सके लेके आना, कोशिश ये करना ठीक है। हाँ मैं कह रहा हूँ ना जाना चाहिए सबको, थोड़ा थोड़ा क्या खा ले करो सबके घर में, कोई दिक्कत नहीं, और फिर ना पैक करा ले करो फिर मेरे पास ले आया करो। वो देख रहा भी आ जाना तो सब भग जाए। छोटी बच्ची को गोद में तो के लाई हूँ, बड़ी मुश्किल से मिलती है ये आज के दिन। कैसे देख रही है आपको? आती पर पापड़ी मेरे साथ। थोड़ी सी देर रुक जा बेटू, सब चल जाएंगे फिर तेरे को भी खिलाएंगे ना। वो तो कह रहा कैसे देख रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा बेटू, वहाँ कन्या जी मारे हैं। क्या कर रहा है तू बेटू, थोड़ी सी देर बैठ जाए, कन्या जी मारे ना बेटू, इधर आ जा इधर आ जा, पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। हाँ यहाँ बैठो शांति से, वहाँ कन्या जी मारे। ये कचौरी समोसा कचौरी खे रही, ये सब धापे में पब्लिक पहले धापे में पब्लिक। थोड़ा थोड़ा टेस्ट करा रहे डर रही खाते खाते।
सब थक गए ना ये, इसलिए इसको भी खिला दो। ले मेरी अद्दू खाएगी। अद्दू पी ली। अब तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि एक कन्या मिसिंग है और वो हमने फाइनल कर ली है, वो इन्हीं के चाचा की लड़की है जो कि लेट आ रही है। ये देखिए कलेक्शन हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, कन्या कलेक्शन। तो देखो ना पूरा कलेक्शन हो गया इधर। वेरी गुड, चल जाओ आप सब ले लेंगे। छोड़ने तो जा, छोटी वाली गोद में तो ले जाएंगे, जी नहीं जा पाएगी। चल जाओ धीरे धीरे, चल जाओ। हाँ देख रहा कपड़े किधर जा रही हो, जाओ। चलो तो दोस्तों बच्ची जा चुकी है और हम गट्टूडी को आजाद कर रहे हैं। गट्टूडी को छोड़ दिया जाए, कुलदीप छोड़ दिया जाए हमारे कपूड़ी को, उसको बिल्कुल हम ऐसे नहीं रखेंगे। आजा कपूड़ी, साफ हो चुका मैदान, तेरा ही राज है पूरे घर में। आ जा मेरी कपूड़ी, तेरा ही राज है। बिट्टू इसलिए बांध के रखा था क्योंकि तू बड़ा बदमाश है। कन्याएं गई गई, कन्याएं अब मजे करो, कन्याएं गई। अब ये दोस्तों लास्ट जो बच्ची बच रही थी वो ये रही छोटी सी। अब ये बच रही थी हमारी नौवीं कन्या जो कि आ चुकी है। इसी के साथ हमारी नौ कन्याएं पूरी हो चुकी है दोस्तों। और ये देखिए ये बच्चे फिर कैसे आ गए तुम दोनों। आपको पता ही दोस्तों ये दोनों कौन है, वही है ये बर्थडे में आए थे, अद्दू पियू। हमारे पड़ोसी बहुत प्यारे दोनों, इसलिए हमारे पास ही रहते हैं। चल जाओ ऊपर जाओ। तो दोस्तों आपने देख ही लिया छोटी सी बच्ची है, मम्मी उसको भी वैसे ही खिलाएंगी जैसे और बच्चियों को फ्री किया था। तो अब हम हमारी गप्पूड़ी के पास टाइम देते हैं क्योंकि अब गप्पूड़ी के साथ नहीं रहेंगे तो गप्पूड़ी फिर बुरा मान जाएगा कि कन्याओं के चक्कर में तुमने मुझे त्याग दिया, ऐसे वो गाने गाएगा फिर रात भर। इसलिए उसको मैं अरे यार उसको मैं प्यार करूंगा। और वही दोस्तों आपको पता है क्या, हमने तो बताया भूल गया, 2 से 7:30 मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है उत्कर्ष की, तो उसका टाइम होने वाला है। इस चक्कर में पता ही नहीं था दोस्तों मेरे को कि यार मैं तो भूल ही गया, इतनी जल्दी टाइम निकल गया। दोस्तों देख लो थक गई ना, इसलिए मैं दर्द कह रहा था कि नीचे आराम से रह ले, पूरा हॉल में घूमते रहता और इधर पंखे वंखे चल ही रहे थे, लेकिन नहीं कन्याओं को देखना है, कन्याओं को देखना करके ऊपर चला गया और अब थक गया पड़ गया। अब इसको थोड़ी सी देर प्यार करके दोस्तों मैं जा रहा हूँ क्योंकि 10 मिनट में मेरी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी लाइव क्लास। छो जा आराम से, छो जा, पानी पिएगा, पानी पिएगा बेटू। इसको पानी पिला के और इसको सुला के दोस्तों मैं चल जाता हूँ ऊपर पढ़ने। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो इसको लाइक भर के ठोकना। दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।